बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला शामिल हुए। साथ ही कार्यकर्ताओं की बैठक में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह मौजूद रहे। इस दौरान इनेलो के पूर्व महासचिव युवा अनिल आहूजा और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राजीव लांबा एडवोकेट सहित दर्जनों लोग जेजेपी में शामिल हुए। दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। पार्टी ने जो प्रदेश के लोगों से वायदे किए हैं उनको धीरे धीरे पूरा करने का काम जारी है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण की बात चुनाव से पहले कही गई थी, उसको लेकर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पहली सरकारों ने हरियाणा के युवाओं को नशेड़ी बनाने का काम किया था, लेकिन अब फिर से हरियाणा में दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा की ओर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से बिकने वाली शराब पर कठोर कानून बनाने का काम किया गया है। दिग्विजय चौटाला ने सभी कार्यकर्ताओं से जेजेपी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के 13 मार्च को जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा इसराना में पहुंचने का न्योता दिया। सरदार निशान सिंह जी की अगुवाई में चौधरी हर्ष कुमार जी और हम सब लोग इस कार्यक्रम में डॉक्टर अजय सिंह जी का जो 59वां जन्मदिवस है इसराना में पार्टी ने मनाने का फैसला लिया है, उसका न्योता लेकर के आए थे। बड़ा जोश, बड़ा उत्साह, आज पहली बार इतना तो मैंने इससे पहले फरीदाबाद में कभी देखा ही नहीं जितना आज देखने को मिला। मुझे उम्मीद है इस बार फरीदाबाद की भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम इस रैली में करें। दिग्विजय जी, चंद्रों पार्टी आज हजारों का काफिला बन गया, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, डेडिकेशन और लोगों का प्यार, दुष्यंत के प्रति जो लोगों में एक विश्वास की भावना है पढ़े लिखे नौजवान के प्रति, उसका एक जीता जाता सबूत है। चौधरी देवीलाल के विचारों पर सच्चे और मन और निष्ठा से दुष्यंत ने जो काम किया और प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो मेहनत करी, उसके बदौलत आज चंद महीनों में, 12-13 महीनों में ही ये 10 सीटों तक और उसके बाद ये काफिला निरंतर बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि फरीदाबाद और इस सारे इलाके में, पलवल में भी, मेवात में भी हमारी पार्टी का आने वाले समय में आगाज होगा और बड़ी मजबूती से उसकी जो है ना सीटें भी हम जीत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।